डॉक्टर केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 13.4 के इस वीडियो पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यह पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित हमारा चैप्टर है। यह डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10 एक्सरसाइज 13.4 जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 टोटल हम लोग 3 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 13.4 जो डॉक्टर केसी सिन्हा का है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक शंकु के छिन्नक के सिरों की परिमितियां क्रमशः 96 सेंटीमीटर और 68 सेंटीमीटर है। छिन्नक की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या, तिरछी ऊंचाई, आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इसका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम छिन्नक का एक फिगर बनाते हैं। ये हमारा छिन्नक हो गया, ये छिन्नक है। क्वेश्चन में दे रहा है कि छिन्नक की सिरों की परिमितियां 96 सेंटीमीटर और 98 है, तो यहां हम इसे कैपिटल आर मान लेते हैं इस त्रिज्या को और इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। फिर यहां से यहां तक जो ऊंचाई है ये एच और ये तिर्यक ऊंचाई जो L हो गया, तो यहाँ इसका ऊंचाई छिन्नक का जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर दे रहा है क्वेश्चन में, तो H बराबर हो जाएगा ये 20 सेंटीमीटर, H बराबर 20 हो गया। हमें कैपिटल R भी नहीं मालूम है, हमें स्मॉल R भी नहीं ज्ञात है और हमें L मतलब तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात नहीं है जो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में परिमिति दे रहा है 96 सेंटीमीटर, परिमिति बराबर 96 सेंटीमीटर। तो ये जो ब्रीफ ये जो है छिन्नक, छिन्नक का जो ऊपरी सिरा है यह ब्रीफ के आकार का है और यह भी ब्रीफ के आकार का है, अर्थात यहाँ जो हम लोग ब्रीफ का जो परिधि होता है वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो ब्रीफ की परिधि बराबर 2πr होता है, यहाँ कैपिटल R है इसीलिए हम इसको कैपिटल R मान लेते हैं, बराबर 96, क्योंकि यहाँ हम लोग 96 लिए हैं, 96 ये बड़ा है और 68 ये छोटा वाला का, तो छोटा वाला का हम लगाएंगे यहाँ परिधि, तो इसके लिए हम यहाँ कैपिटल R लिखे हैं। अब इसे 2 × π का मान 22/7 गुना R बराबर 96, तो R बराबर हो जाएगा 96 × 7/22 × 44। हम यहाँ क्रॉस गुना कर लिए, 7 को ऊपर भेज दिया और इसको नीचे ले आए हैं। अब 7 से इसको गुना कर देते हैं, 7 × 6 = 42 के 2 हासिल 4 हो जाएगा और 9 × 63 = 4 = 67/44, 672/ हमको 44 मिल गया। अब 672 में हम 44 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 15.27। हमें यहाँ कैपिटल R का मान मिल गया है, अब हमें चाहिए स्मॉल R का मान अर्थात छोटका त्रिज्या, तो इसके लिए हम फिर से परिमिति, परिमिति बराबर 68 है, यहां हम लिखेंगे 68। अब यहां भी परिमिति का फॉर्मूला तो 2π, यहां हम छोटका आर लिखेंगे क्योंकि हम इसका त्रिज्या छोटका आर ली माने हैं, बराबर हो जाएगा 68। अब ये फिर 2 × π का मान 22/7 गुना आर बराबर हो जाएगा 68, तो R बराबर हो जाएगा 68 × 7 अब बटा 22 × 44, हम क्रॉस गुना कर लिए यहाँ। अब फिर 68 में 7 से गुना कर लेते तो 8 × 56 = 6 हासिल 5 हो जाएगा, 7 × 42 और 5 = 47 बटा 44, 476/44 हो गया। अब हम 476 में 44 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 10.82, 10.82, ये हमें स्मॉल R का मान मिल गया। कहने का मतलब हमें इसका त्रिज्या छोटा वाला त्रिज्या मिल गया और बड़ा वाला त्रिज्या 15.27 मिल गया और ये छोटा वाला 10.82 मिल गया। अब हमें इसका तिर्यक ऊंचाई निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा L स्क्वायर बराबर कैपिटल H का स्क्वायर प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल R का होल स्क्वायर। तो यहाँ H का जो मान है वो 20 है
हम लिखेंगे 20 का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर। कैपिटल आर का मान यहाँ 672/44, तो हम लिखेंगे 672/44 माइनस स्मॉल आर का जो मान है 476/44, तो यहाँ लिखेंगे 476/44 और यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा प्लस इन दोनों का एलसीएम कर लेते हैं तो 44, तो 672 माइनस 476 का होल स्क्वायर। अब ये 400 प्लस इसको घटा लेंगे, 12 से 6 गया 6, ये बच जाएगा 6 16, 16 से 7 गया 9 हो जाएगा, 5 से 4 गया 1 बटा 44 का ये होल स्क्वायर हो गया। अब ये 400 है तो इसको 400 लिखेंगे प्लस यहाँ 196 आ गया तो 196 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 38,416 38,416 अब बटा 44 है तो 44 का स्क्वायर हो जाएगा 1936 बटा में हम एक मान लिए। अब इसका एलसीएम कर देंगे तो एक से तो ये 1936 रह जाएगा, एक से भाग देंगे तो 1936 रह जाएगा और 1936 में 400 से गुना करेंगे तो पहले 4 से गुना कर देते हैं, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 थी 12 तो 14 के 4 हासिल 1 और 9 चौका 36 एक 37 के 7 हासिल 3 और 4 के 4 3 7 और ये 00 प्लस। अब 1936 से भाग नहीं कट जाएगा मिलेगा 1 और 1 से गुना करें इतना ही रह जाएगा ये 38,416। अब इसको हम जोड़ लेते हैं ये 6 रह जाएगा 1 4 4 8 8 4 12 के 2 हासिल 1 8 और 3 11 के हासिल 1 7 1 8 बटा 1936। अब ये 812,816 मिल गया जिसमें अब हम 1936 से भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा 419.84 419.84 क्योंकि ये एल स्क्वायर का मान है तो अब इसीलिए एल बराबर इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा रूट 419.84 और 419.84 है इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो 20.49 सेंटीमीटर। ये हमें इसका त्रिज्यक ऊंचाई मिल गया। अब हमें निकालना है इसका, हम त्रिज्या भी निकाल लिए यहाँ और तिरछी ऊंचाई भी निकाल लिए और अब हमें चाहिए इसका आयतन। अब हमें इसका आयतन निकालना है तो चलिए अब हम इसका आयतन निकालते हैं। आयतन 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 के लिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। छिन्नक का आयतन, छिन्नक के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करते हैं इनमें हम सभी मान को रखेंगे। ये 1/3 तो 1/3, पाई का मान 22/7 तो 22/7, एच का मान 20 है तो हम 20 लिखेंगे और यहाँ कैपिटल एच का मान 15.27 है तो यहाँ हम 15.27 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस स्मॉल आर का जो मान है वो 10.82 है तो यहाँ हम 10.82 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस कैपिटल आर का मान 15.27 गुना स्मॉल आर का मान 10.82 है तो इसको हम लिख लेंगे, पोस्ट कर दिए इसको। अब इसको हम हल करते हैं, ये 22 × 44 440 और बटा 7×3 21 हो जाएगा। अब यहाँ हमको मिल गया 15.27 तो 15.27 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो हो जाएगा 233.17। जोड़ का चिन्ह है तो हम जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर 10.82 है तो 10.82 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 117.07 हो जाएगा
प्लस। फिर यहाँ हम क्या करेंगे 15.27 में 10.82 से गुना करेंगे, ये हमको मिलेगा 165.22। चलिए अब इसको हल करते हैं, ये 440/21, 2 और 7 9 और 7 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 दशमलव दे देते हैं, 5 7 12 12 3 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, 7 1 8 और 3 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 और 2 5 515.46 हो गया। अब 440 में 515.46 से हम गुना कर लेंगे तो हमको मिलेगा 226,802.4/21। हम क्या किए 440 में 515.46 से गुना कर दिए तो हमें मिल गया 226,802.4/21। अब हम इस पे 21 से भाग दे देंगे तो हमको मिलेगा 10,800.114 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा इसका आयतन हो गया। अब हम इसका आयतन निकाल लिए। अब इसी क्वेश्चन का हमें फिर से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो जाएगा हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम यहां से क्या करते हैं, पाई इसमें भी है, इसमें भी पाई है और इसमें भी पाई है, हम पाई को कॉमन कर लेते हैं, पाई को कॉमन कर लिए तो यहाँ हमको मिल गया छोटा वाला आर का जो मान है वो 10.82 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 10.82 का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर बचेगा, कैपिटल आर का जो मान है वो 15.27 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 15.27 का स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह देंगे एल, एल का जो तिर्यक ऊंचाई जो हम लोग निकाले हैं वो 20.49 निकाले हैं, 20.49, तो यहाँ हम लोग 20.49 लिखेंगे, 20.49। अब यहाँ कैपिटल आर का जो मान है वो 15.27 है, यहाँ लिखेंगे 15.27 जोड़ का चिन्ह देंगे, और स्मॉल आर का मान 10.82 है, यहाँ लिखेंगे 10.82, इसको हम पोस्ट कर दिए। अब हम लोग इसको हल करते हैं, ये पाई है तो इसको हम पाई रहने दिए, 10.82 है तो इसका स्क्वायर 10.82 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 117.07 प्लस 15.27 है इसका जो स्क्वायर हो जाएगा वो 233.17 प्लस ये 20.49 गुना, इसको जोड़ लेते हैं, ये 7 2 9 हो जाएगा, 8 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 5 1 6 और 1 1 2 ये 26.09 हो जाएगा। हम इन सबों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ से ये पाई ये 117.07 प्लस 233.17 प्लस, इसको हम गुना करेंगे, 20.49 में 26.09 से जब हम गुना करेंगे तो 534.58 हो जाएगा, 534.58 हो जाएगा। हम क्या किए 20 से 26 में गुना कर लिए। अब इसको हम क्या करते हैं, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, जब इन सबों को हम जोड़ लेंगे, जब हम तीनों को जोड़ लेंगे तो हमको मिलेगा
दो हमको मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 22 से 884.82 में हम गुना कर लेंगे तो मिलेगा 19466.04 बटा 7, और इस 7 से हम इसको जब भाग दे देंगे तो 8780.87 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक घर्षण बल है जो शंकु के छिन्नक के आकार का है और इसके सिरों का व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ हमें व्यास दिया है, यहाँ स्मॉल डी का जो मान दिया है वो 8 दिया है, तो स्मॉल आर बराबर 8/2 अर्थात ये हो जाएगा 4, और कैपिटल डी का जो मान दिया है वो 10 दिया है, तो कैपिटल आर बराबर 10/2 अर्थात हमें कैपिटल आर का जो मान मिल गया वो 5 और स्मॉल आर का मान हमें 4 मिल गया। क्वेश्चन में कहता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उसमें एल आता है अर्थात तिर्यक ऊंचाई आता है, तो पहले हम यहाँ तिर्यक ऊंचाई का एल का मान निकाल लेते हैं। एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, तो कैपिटल एच का जो मान है वो सॉरी यहाँ एच का मान 8 है तो यहाँ 8 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस कैपिटल आर 5 माइनस स्मॉल आर 4 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 5 से 4 गया 1 का स्क्वायर, अब ये 64 और 1 मिलकर हो जाएगा ये 65, और 65 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो लगभग 8 कुछ आना चाहिए, तो 8.06 सेंटीमीटर, ये हमें इसका तिर्यक ऊंचाई मिल गया। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये फॉर्मूला हो गया, तो पाई का जो मान होता है वो 22/7 हो गया, या फिर हम पाई का मान जो है वो 3.14 भी रख सकते हैं, तो यहाँ हम पाई का जो मान है वो 3.14 रख देते हैं गुना एल का जो मान है वो 8.06, तो यहाँ हम रख देते हैं 8.06, कैपिटल आर जो 5 है तो 5 लिखेंगे प्लस स्मॉल आर का मान 4 है तो 4 लिखेंगे। अब 3.14 गुना 8.06 गुना 5, 4 ये 9 हो गया। अब हम क्या करते हैं 3.14 गुना 8.06 में और 9 इन सबों को जब हम गुना कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 226.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि ये क्षेत्रफल है तो यहाँ हमें सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना लिखना पड़ेगा। तो हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, अब हमें इसका आयतन चाहिए, तो लिखेंगे आयतन, आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो पाई एच बाई 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये आयतन का फॉर्मूला हो गया। तो पाई का मान 3.14 गुना एच, एच का जो मान है वो 8 है और 8 हो गया बटा में 3 है तो बटा में 3 लिखेंगे। अब कैपिटल आर, कैपिटल आर का मान 5 है तो हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस स्मॉल आर का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 5 गुना 4 मान रखती है। अब ये 3.14 गुना 8/3, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 5 चौका 20 हो जाएगा। अब ये 3.14 गुना 8/3, 25 जोड़ 16 जोड़ 20 ये 61 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं 314 गुना 8 गुना 61, जब इन सबों को हम गुना कर लेंगे तो हमको मिलेगा 1532.32 1532.32/3, और 1532.32 में हम क्या करेंगे, अब 3 से भाग देंगे, जब हम इसमें 3 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 510.77 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आयतन हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक बाल्टी शंकु के छिन्नक के रूप का है,
इसकी गहराई 15 सेंटीमीटर, ऊपरी एवं निचली सिरों का व्यास 56 और 42 सेंटीमीटर है। बाल्टी में कितना लीटर पानी अटेगा हमको ये बताना है। तो हमें व्यास दे रहा है 56 और 42, तो कैपिटल डी 56 और स्मॉल डी का जो मान है वो 42 दे रहा है, तो हम 42 लिखेंगे। अब कैपिटल आर बराबर 56/2, क्योंकि हम जानते हैं जो त्रिज्या होता है व्यास के आधा होता है, ये 28 हो जाएगा, और स्मॉल आर बराबर 42/2, ये 21 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में गहराई मतलब एच का जो मान है वो दिया है 15, एच बराबर 15 दिया है, तो कितना लीटर पानी अटेगा, इसके लिए हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा। छिन्न का आयतन, छिन्न का आयतन पाई एच बाई 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अब पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, तो 22/7 पुनः एच, एच का मान 15 है तो यहाँ 15 लिखेंगे, 3 कैपिटल आर का मान 28 है तो 28 का स्क्वायर, स्मॉल आर का मान 21 है, 21 का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर 28 × 21। अब इसको हल कर लेते हैं, ये 22 × 3 = 15, 22 × 5 = 110/7 × 28 है, 28 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 784 होता है, तो 784 प्लस 21 का 441 होता है, तो 441 प्लस 28 से हम 21 में गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 588। अब 110/7 गुना इन सबों को हम जोड़ लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 8 × 9 = 13 = 3 = 1, 9 × 4 = 13 और 8 = 13, 8 + 21 = 1 = 2 हो गया, 7 × 4 = 11 और 7 = 18, 1813। तो अब हम क्या करेंगे, 110 से 1813 में गुना कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 19 × 94 = 30/7। अब इसमें हम 7 से भाग दे देंगे तो हमको मिल जाएगा 28,490, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें आयतन मिल गया, लेकिन हमें ये बताना है कि कितना पानी, कितना लीटर पानी बदलेगा। तो इस सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या करेंगे, लीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 28,490 में हम 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से इसमें हम भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0 हो जाएगा और यहाँ 2 0 है, ये 28.49 लीटर, 28.49 लीटर इसमें पानी अटेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।